बस ब्रो क्या पढ़ रहा है? ब्रेस्ट पढ़ रहा हूँ भाई। ब्रेस्ट पढ़ रहा है, ठीक है भाई कंटिन्यू करें। सुशांत भाई व्हाट्सअप ब्रो, मुझको मुझसे अभी जुदा ना करो। हाय गाइस, दिस इज मुजफ्फर, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना हॉस्टल टूर कराने वाला हूँ। एक्चुअली मैं भी छुट्टियों में घर आया हुआ था, तो मैं यहाँ से वापस कॉलेज जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं निकल चुका हूँ अपने घर से कॉलेज के लिए, अभी मेरी ट्रेन है शाम को। ट्रेन पर बैठते ही मुझे काफ़ी नींद आ रही थी, इसीलिए मैं सो गया। सुबह होते ही मैं अपना कॉलेज पहुंच जाता हूँ। यह है हमारे कॉलेज का न्यू एंट्री गेट। कॉलेज एंटर करते ही ये वाला है न्यू हॉस्पिटल, जहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। और ये रहा अपना बॉयज़ हॉस्टल, बाहर से कुछ इस टाइप का दिखता है अपना हॉस्टल। अब मैं करता हूँ अपने हॉस्टल के अंदर एंट्री। ग्राउंड फ्लोर पर यह है अपना कैंटीन। मुझे लगी है बहुत ज़ोर से भूख, इसीलिए मैंने ऑर्डर किया है एग और ब्रेड। कैंटीन में प्रॉपर साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। मेरा एक ब्रेड रेडी है, मैं इसे फिनिश करता हूँ। यह है कॉमन रूम, जहाँ पर कुछ बारबेल्स रखे हैं एक्सरसाइज के लिए। हम लोग यहाँ पर सभी दोस्तों के साथ मिलकर वर्ल्ड कप मैचेस देखते हैं, काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पर दोस्तों के साथ वर्ल्ड कप देखने में। अब मैं जा रहा हूँ अपना रूम। यह है स्टेयर्स, अब मैं आ चुका हूँ यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पर। यह है अपना लिफ्ट एरिया और यह है वॉशरूम एरिया। यह है अपना वाटर प्योरीफायर, जहाँ से हम लोग पानी वगैरह भरते हैं। इधर है वॉशरूम वगैरह, यहाँ पर हम लोग नहाते हुए हैं। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। यह अपना बेसिन एरिया, जहाँ से हम लोग फेस वगैरह देखते हैं। उसके अलावा ये है हम लोगों का लिफ्ट एरिया। अभी मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, मेरा रूम नंबर है 112। ये है अपना रूम, रूम नंबर 112। तो चलिए इस पे चलते हैं। सो दिस इज़ आवर रूम। हम लोग यहाँ पर तीन रूममेट्स एक साथ रहते हैं। एक मेरा रूममेट यहाँ सामने रहता है, दूसरा रूममेट अभी घर गया हुआ है, और ये मेरा बेड है। तीन लोगों के अकॉर्डिंग रूम इज़ क्वाइट स्पेसियस। चलिए मैं आपको यहाँ से थोड़ा बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। तो ये है यहाँ से बाहर का व्यू मेरे रूम से। ये सामने जो है ये है ऑडिटोरियम, और इसके सामने का ये वाला एरिया, यहाँ पर हम लोग शॉर्ट बाउंड्री मैचेस वगैरह खेलते हैं। ये हमारा पावर हाउस, और इधर जो है ये हॉस्पिटल एरिया। ये हमारे हॉस्टल के सामने वाला पार्ट। उसके अलावा ये जो बेड है, ये मेरे रूममेट का है, वो भी घर गया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उससे ज़रूर मिलाने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ बुक्स वगैरह वो छोड़ के गया है। ये उसका वाटर बॉटल है, और ये टेबल वगैरह, ये सारी चीज़ें हॉस्टल की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। चलिए मैं आपको अपना बेड दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये हम लोग अपने गंदे कपड़े वगैरह यहाँ पर रखते हैं। उसके अलावा जब हम लोगों को हॉस्टल अलॉट किया जाता है, तो हम लोगों को ये बेड दिया जाता है। बेड के अलावा हमें दिया जाता है ये मैट्रेस। वन मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैट्रेस हमें प्रोवाइड किया जाता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मैट्रेस है ये। मैट्रेस के अलावा यहाँ पर ये है चेयर, जिसे मैं काफ़ी कम यूज़ करता हूँ। चेयर के अलावा ये है बैग, जिसे मैं कॉलेज के लिए यूज़ करता हूँ। उसके अलावा मुझे यहाँ पर बेड के पास ही चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, जिसे मैं फ़ोन काफ़ी इजीली चार्ज कर लेता हूँ। उसके अलावा ये दिया जाता है हमें टेबल। एक मिनट मैं आपको कबर्ड ओपन करके दिखा देता हूँ। ये कबर्ड है, इसमें आपको एक एप्पल का लोगो देखने को मिलेगा। उसके अलावा कुछ सामान है इसमें, चलिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पर मेडिकोस का सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पर बुक्स है एनाटॉमी का, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे बुक्स और नोट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये है मेरा वाटर बॉटल, ये है अपना हर्बल कॉम्ब, और मेरा ये है फिग, ड्राई फ्रूट्स इस पर मैं रखता हूँ, जो फ़िलहाल अभी ख़त्म हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पर दिखने को मिलेगा आपको रूबिक्स क्यूब,
ये सॉल्वड है, मैं इसे 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर देता हूँ। पर ये है रेसिस्टेंस बैंड जिसे मैं कभी थोड़ा थोड़ा वर्कआउट वगैरह भी कर लेता हूँ। उसके अलावा ये है आयरन और ये है मेरा स्पीकर जिससे मैं कभी सॉन्ग्स वगैरह प्ले करता हूँ। हॉस्टल अलॉट होते टाइम हमें यहाँ पर मिलता है गोदरेज का अलमीरा। एक मिनट लेट मी फोकस इट। हाँ, ये गोदरेज का ये अलमीरा है और नीचे यहाँ पर आपको वाइट शूज़ देखने को मिलेगा। मुझे वाइट शूज़ काफ़ी पसंद है बट पहनते टाइम धोने में इसे काफ़ी दिक्कत होती है। और ये है हमारा एप्रन, आवर प्राइड। चलिए मैं अलमीरा ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये है अलमीरा। अलमीरा में आपको सबसे नीचे यहाँ पर देखने को मिलेगा एक सफारी का ट्रॉली जो काफ़ी कॉमन है। मैं कभी भी ट्रेवल करता हूँ तो कोई ना कोई मुझे इस सफारी ट्रॉली के साथ मिल जाता है, इसलिए मैं इसे मोस्टली ट्रेवल नहीं करता। यहाँ पर मैं अपने कपड़े को आयरन करके इस पर रखता हूँ। और उसके अलावा आपको यहाँ पर मिल जाएंगे गंदे कपड़े जो मेसी से काफ़ी लग रहे हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर बीच वाले पोर्शन में मेरे कुछ सामान हैं, लाइक यहाँ पर मेरे सनग्लासेस है, स्मार्ट वॉच, ये मेरा है बायोटीन, ये वैलेट और ये टोपी नमाज पढ़ने के लिए, और ये फाइल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर रखता हूँ। उसके अलावा कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला। ये मेरा बैग, जब मैं ट्रेवल वगैरह करता हूँ तो इसे यूज़ करता हूँ। सो गाइस, दिस इज आवर रूम। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इसी मेहखाने में अपने दोस्तों के साथ समय गुजारते हैं। काफ़ी मज़ा आता है हम लोग को अपने रूममेट्स के साथ यहाँ पर रहने में। अभी हम लोग यहाँ पर रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं तो हम लोग यहाँ पर हार्डली 1 से 1.5 महीने हुआ है, तो इसीलिए रूम आपको काफ़ी सिंपल सा लग रहा होगा। बट अभी यहाँ पर हम लोग काफ़ी सामान वगैरह लगाने वाले हैं, तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं आपको रूम टूर कराया तो आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये तो दोस्तों मेरा रूम टूर था। अब मैं यहाँ पर आपको अपने दोस्तों का भी एक रूम दिखाने वाला हूँ। कोई एक फ्रेंड्स का मैं रूम पिक करूँगा, उसको फिर मैं आपको टूर करा के उसको भी दिखाऊँगा कि मेरे दोस्त यहाँ पर कैसे रहते हैं। तो चलिए मैं आपको अपना फ्रेंड्स का रूम भी लेकर चलता हूँ। उसके अलावा ये है एक रूम डॉर्मेट्री। यहाँ पर 8 लोग रहते हैं। जो लोग कोलकाता के काफ़ी करीब होते हैं उनको डॉर्मेट्री अलॉट होता है। तो चलिए इस रूम में जाके देखते हैं यहाँ पर मेरे दोस्त लोग क्या कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा सा रूम है, यहाँ पर 8 लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 बेड एक रूम है और 4 बेड एक रूम है, 8 बेड टोटल लगा हुआ है। यहाँ पर मेरा दोस्त सुशांत भाई, सुशांत भाई व्हाट्सअप ब्रो, सुशांत भाई क्या कर रहा है? सुशांत भाई बाइसेप्स ब्रेकआई पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी। ठीक है भाई, पढ़ते रहो। ये है सुशांत भाई और यहाँ पर एक मेरा दोस्त है, उसको देखते हैं वो क्या पढ़ रहा है। और भाई क्या हाल? यस ब्रो। बस ब्रो क्या पढ़ रहा है? ब्रेस्ट पढ़ रहा हूँ भाई। ब्रेस्ट पढ़ रहा है, ठीक है भाई, कंटिन्यू कर। ये है डॉर्मेट्री। यहाँ पर जो हॉस्टल के काफ़ी करीब लोग होते हैं कॉलेज के, उनको डॉर्मेट्री अलॉट होता है। और यहाँ पर एक वॉशरूम है अटैच, एक एडवांटेज है यहाँ पर। जैसे हम लोगों के रूम में वॉशरूम अटैच नहीं है, हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है, लेकिन इनको यहाँ पर अटैच वॉशरूम मिलता है। बाकी लोग यहाँ पर कोई घर गए हुए हैं, कोई बाहर गया हुआ है, शाम का टाइम है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अभी यहाँ पर रूम में प्रेजेंट नहीं है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, जैसे हमें एक टेबल मिलता है, एक चेयर मिलता है, एक अलमीरा मिलता है, उसी टाइप से इन लोगों को भी यहाँ पर मिला हुआ है। स्पेस भी काफ़ी सही है 8 लोगों के अकॉर्डिंग। एक बार मैं बाहर से आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर स्पेस, तो इस टाइप से इतना स्पेस यहाँ पर मिलता है 8 लोगों को। सो दोस्तों, दैट्स ऑल अबाउट आवर हॉस्टल। तो चलिए इसी बात पे एक शायरी हो जाए। मेरे दुख की कोई दवा न करो, जरा गौर फरमाइएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे दुख की कोई दवा न करो, मुझको मुझसे भी जुदा न करो। बहरहाल आपके और हमारे जुदा होने का वक्त आ चुका है। कोई शिकवा शिकायत हो तो आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।